हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नया वीडियो लेके आया हूँ। 4923 लीलैंड BS4 गाड़ी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्लच प्लेट के बारे में, क्लच प्लेट कवर असेंबली और फ्लाईव्हील, और एक गियर के बारे में बताऊंगा। इसमें गियर की जो इनपुट शाफ्ट कवर जो होता है वो टूट गया था, ठीक है। इनपुट शाफ्ट कवर टूट गया था, तो इनपुट शाफ्ट कवर चेंज करने के लिए सबसे पहले हाउसिंग खोलना पड़ेगा, ठीक है। हाउसिंग खोलना पड़ेगा, ये जो बेरिंग है बड़ा वाला, ये भी टूट गया था, इसकी डावेल निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हाउसिंग खोलने के लिए इसकी लोक जो डावेल होती है शाफ्ट के अंदर, वो होम के अंदर जो शाफ्ट, ये यहाँ से टूट गया था इनपुट शाफ्ट, देखना तो आपको बताऊंगा। इनपुट शाफ्ट ये कवर टूट गया था, ठीक है। इस जगह का कवर टूट गया था, अपन इसको कवर चेंज करना है। सबसे पहले इसका हाउसिंग खोलेंगे। हाउसिंग खोलने के लिए चॉइस की गोटी, चॉइस का स्पिनर प्रयोग उपयोग किया जाता है, ठीक है, काम में लिया जाता है। अब मैकेनिक देखना, हाउसिंग खोलेंगे, ये देख लो आपके सामने मैकेनिक हाउस, क्यों इसको टी हैंडल और दूसरा पाइप लगा के खोला जाता है, क्योंकि वो टाइटनेस होती है। मैं आपको बताऊंगा, ये पूरा हम भी फिट करेंगे तो इसको टाइटनेस से फिट करेंगे, ठीक है। ये देख लो आपके सामने हाउसिंग खुलेगा। आप ये हाउसिंग खोलने के लिए सबसे पहले इसमें दो दो चार छः आठ नट होते हैं, ठीक, चार नीचे चार ऊपर, ठीक है, और दो साइड में होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। अब इसका हाउसिंग, अब मैं आपको एक ये बताऊंगा, फ्लाईव्हील कवर असेंबली और क्लच प्लेट। फ्लाईव्हील ये देख लो, दरारें पड़ गई है कवर असेंबली में, और ये कि ये इस फ्लाईव्हील में भी हो गई है। ये कुछ टाइम पीरियड हो गया था इनको, इसलिए ये ख़राब हो गई थी। इसके साथ ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लाईव्हील कवर असेंबली और क्लच प्लेट, ये तीनों चेंज होगी, और इसकी इनपुट शाफ्ट कवर चेंज होगा, ठीक है, देखना। और एक बात बताऊंगा, ये गियर पहली बार खुल रहा है, ठीक है। BS4 का 4923 गियर है, ठीक है, BS4 का गियर है लीलैंड का, ये पहली बार गियर खुल रहा है, ठीक है। देखना इसमें ये हाउसिंग खुलेगा इसका। हाउसिंग के जो बोल्ट होते हैं वो चॉइस के होते हैं, चॉइस का स्पिनर उस पर लगाते हैं, ठीक है। अब इसका हाउसिंग खोलेंगे। हाउसिंग अगर इनपुट शाफ्ट खोलनी है तो सबसे पहले इसका हाउसिंग खोलना पड़ेगा, ठीक है। इस जगह से इनपुट शाफ्ट कवर टूट गया था, कवर चेंज करने के लिए हाउसिंग खोल दिया, ठीक है। अब इसकी इनपुट शाफ्ट कवर खोलेंगे। इनपुट शाफ्ट कवर खोलने के लिए इसमें 18 की घोटी है, 18 का स्पिनर काम में लिया जाता है। उससे पहले इसकी इनपुट शाफ्ट कवर खोलने से पहले इसकी लॉक खोलनी पड़ेगी। जो लॉक लगी होती है वो नोज पिलार से ये लॉक खोलते हैं, ठीक। अब इसकी लॉक खोल देंगे, देखना, और इनपुट शाफ्ट इसको थोड़ा सा मार देने से वो कवर सही तरह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, देखना, देखते रहना। ये देख लो, ये 18 की घोटी से ये आराम से ये खोल रहे, ठीक है। इनपुट शाफ्ट कवर खोल रहे हैं। इनपुट शाफ्ट कवर इसका नया डालना पड़ेगा। देखो नया भी कैसे डालेंगे, कौन सा डालेंगे, ले पार्ट्स का डालेंगे, वो मैं आपका बताऊंगा। ये इनपुट शाफ्ट कवर खोल दिया है, इनपुट शाफ्ट कवर ये खोल दिया, मैं इसको बताऊंगा आपको। टूटा हुआ पार्ट्स भी आपके उसके ऊपर लगा के बताऊंगा कहाँ से टूट गया, ठीक है। ये टूटा हुआ पार्ट्स, ये मैंने पकड़ रखा, ये टूटा हुआ पार्ट्स है, ये इसके ऊपर से टूट गया। ये अपन इनपुट शाफ्ट कवर इसका पूरा चेंज करना पड़ेगा। इसकी ऑयल सील चेंज करनी पड़ेगी, ऑयल सील बाहर निकलती नहीं है इसलिए नहीं डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसका इनपुट शाफ्ट कवर नया फिट कर दिया है, नया ले पार्ट्स का इनपुट शाफ्ट कवर ले आए थे, एनमोन ट्यूब लगा के इसके ऊपर ऑयल लीकेज ना हो इसलिए नया फिट कर दिया। ये 18 के गोटी 18 के स्पिनर से इसको वापस फुल टाइटनेस कर दिया, ठीक है। अब इसका ये बेरिंग भी डालना पड़ेगा, जो शाफ्ट गियर को डालने के लिए जो शाफ्ट आगे पीछे होती है, रिलीज होती है, वो वाला बेरिंग इसमें टूट गया था, ख़राब हो गया था, इसलिए कुछ टाइम पीरियड हो गया था। ये मतलब टूटा तो नहीं था, पूरा खत्म हो घिस गया था। और इसके साथ का फ्लाईव्हील का बेरिंग बता रहा हूँ, फ्लाईव्हील भी चेंज करना पड़ेगा इसका। तो फ्लाईव्हील के साथ इसका फ्लाईव्हील बेरिंग भी चेंज करना, फ्लाईव्हील बेरिंग अलग आता है और फ्लाईव्हील अलग आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट कवर इसकी फिट कर दिया है पूरा, देखो मैकेनिक ने इनपुट शाफ्ट कवर फिट करने के बाद इसके अंदर वो वापस लॉक डालेंगे, ठीक है। इसका हाउसिंग लगाने के बाद इसकी लॉक फिट करेंगे, देखना। ये हाउसिंग लगा रहे मैकेनिक, इसका हाउसिंग ये देख लो, हाउसिंग लगा दिया। हाउसिंग उल्टा कभी लगता नहीं, सही से लगेगा, ये ध्यान रखना है। कोई बोले कि हाउसिंग उल्टा लगा दिया, तो हाउसिंग उल्टा लगता ही नहीं है, ठीक है, सही से लगता है। ये देख लो, ये इसकी ये वापस इसके नट लगवा रहे, बोल्ट लगा रहे इसके इसके हाउसिंग के चॉइस के स्पिनर से वापस इसको टाइट करेंगे। और जो आपने मैंने आपको बताया था कि प्रेशरली हो गया इनको खोला था, वैसे प्रेशरली इसको टाइट कर रहे, देख लो मैकेनिक, ठीक है। इसको फुल टाइटनेस करनी पड़ती है, हाउसिंग के जो बोल्ट होते हैं उनको फुल टाइट करने पड़ते हैं, ठीक है, लूज नहीं रखना चाहिए। ये देख लो आपके सामने, इसको पाइप लगाएंगे, नीचे वो घेर हिल रहा था इसलिए इसके नीचे कुछ गोटी लगाई, और वापस इसको प्रेशरली फुल टाइट करेंगे। ये देख लो इसके ऊपर, ये राम जी और नारायण जी, इनको घेर का इनका पूरा काम हो गया। और आउटसाइड से एक बात बताता हूँ, इस घेर को अमन आउटसाइड से लेकर आए थे, तो इसको आउटसाइड ही उसको फिट करने जाना पड़ेगा। तो रिलीज बेरिंग फ्लाईव्हील तो आउटसाइड डालेंगे, ठीक है, कवर असेंबली और क्लच प्लेट, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊँगा, ये पूरा ये इसकी जो लॉक खोली थी हमने इनपुट शाफ्ट कवर खोलने के लिए, वो लॉक वापस ये लगा रहे, देख लो
लॉक लगा देंगे इसको कंप्लीट, लॉक लगाने के बाद थोड़ी सी टैपिंग करनी है साइड में, वो जो लॉक सही फिट हो जाए, ठीक है, लूज हो तो अंदर चली जाए। देख लो ये देखो इसकी लॉक लगा रहे, ठीक है, लॉक लगा रहे नारायण, नारायण एन क्या खींची है ये लॉक लगा रहे। अब वो जो इसका बेरिंग था, रिलीज बेरिंग जो मेन बेरिंग था इसका, वो टूट गया था, वो सब गेयर आगे पीछे करने के लिए वो खराब, वो भी बेरिंग अपन चेंज कर रहे हैं, तो उस बेरिंग के ऊपर जो पत्ती होती है वो खोल के उस बेरिंग के ऊपर लगा रहे, ठीक है, वो भी बेरिंग भी लगा दिया, देख लो पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसको आउटसाइड ले जाने के लिए इसको टेम्पू में भरेंगे, देख लो टेम्पू में इसका सब सामान भी भर दें, ठीक है, पुरानी क्लच प्लेट उतार दियो, नई इसका ये फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील का ये बेरिंग खराब है, देख लो इसके लिए बेरिंग चेंज करना पड़ेगा, ये फ्लाईव्हील पुराना फ्लाईव्हील है, ठीक है, पुराना फ्लाईव्हील है आपके सामने, देख लो इसकी ये खराब हो गया था, ये इसकी क्लच प्लेट है और कवर असेंबली है, तीनों ये तीनों और ये इनपुट साफ, ये तीनों अपन चेंज, ये चारों पांचों चेंज करेंगे, इसलिए नए, ये देख लो ये सामान नए निकाल दिए हैं, ये इसका फ्लाईव्हील है, ठीक है, ये और ये इसकी क्लच कवर बॉडी है, ठीक है, क्लच कवर बॉडी है ये, और इसकी वो क्लच प्लेट आपको बताऊँगा, ये इसकी क्लच प्लेट है, ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊँगा, ये देख लेना ये पूरा ये कवर असेंबली, यह इसकी क्लच प्लेट, ठीक है, क्लच प्लेट ये ही इसकी, ठीक है, 4302 इसका पार्ट नंबर है लास्ट, ये इसके ये चारों पांचों अपन नए डालेंगे गाड़ी में, ये आउटसाइड में डालेंगे, मैकेनिक देखना बस इसको घेर को वापस टेम्पू में रखेंगे, घेर को टेम्पू में चढ़ा, ठीक है, घेर को टेम्पू में रखेंगे ये कंप्लीट, फिर इसको अपन लेके जाएंगे साइड पे, और साइड पे इसको फिट करके, और एक ये अब इसको फिट ही करना है, अब गाड़ी पूरी कंप्लीट है, घेर पूरा कंप्लीट है, इसको फिट करना है, जो भी दिक्कत हो रही थी यहाँ कर दी थी, ठीक है, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मैंने घेर की वीडियो डाल रखे हैं, लाइक देखें सब्सक्राइब करें।